हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मोसेस बैक विद यू गाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फादर्स डे या हैप्पी स्टेटस डे, व्हाट्सएप स्टेटस डे कह सकते हैं, मगर चलो कम टू बैक टू द पॉइंट। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ द पेन, ऑल ऑफ द फादर्स अराउंड द होल वर्ल्ड, एंड हैप्पी फादर्स डे डैडी कॉज ही इज इन हेवन। सो काम की बात पे आते हैं। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं लगाया है फादर्स डे का, और मुझे बता दें कि आप लोग मेरे को स्वीकार करेंगे अपने मेरे बाप का बेटा होने पे। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने धबा धब व्हाट्सएप के स्टेटस लग रहे हैं, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। मुझे कोई एक बंदा बताए कि क्या आप लोगों ने अपने डैडी को सोशल मीडिया से हट के जा के किसी ने फादर्स डे विश किया है? अगर किया है तो गुड चीज़ है, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों के जितने भी बाप होते हैं, आई डोंट नो अबाउट मैनी, बट बाप भी बहुत किस्म के होते हैं। कुछ अच्छे बाप होते हैं और कुछ बुरे बाप होते हैं। तो जिनके अच्छे बाप हैं या बुरे बाप हैं, जो भी ये बाप होता है बाप, तो अगर आप लोगों ने जा के उनको सुबह या रात में अच्छे से विश किया है, सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट या इस तरह कुछ था, सिर्फ अगर आप लोगों ने विश ही किया है तो बहुत अच्छी बात है। मगर आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस दुनिया को दिखाने के लिए किया है तो शेम ऑन यू गाइस, स्ट्रेट अवे शेम ऑन यू गाइस, ठीक है? आप लोग शर्म से डूब मरें कि अगर आप लोगों ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया था। अब आते हैं उन पे जिनके डैडीज़ नहीं हैं दुनिया में, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स जिनके डैड नहीं हैं। अच्छा जी, तो हमारे ये सीन होता है कि हमें फील हो रहा होता है दैट वी आर मिसिंग आवर डैड्स, ठीक है? और हम वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं इधर उधर कहीं पे। सॉरी अगर मेरे वर्ड्स इंग्लिश के, उर्दू के थोड़े इधर उधर हों, मगर मेरा मैसेज समझने की कोशिश कीजिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोग के डैड्स होते हैं मिस कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि सब फादर्स डे मना रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं लोग फादर्स डे मना रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई गिफ्ट लेके जा रहे हैं, मगर हम अपने डैड के लिए गिफ्ट नहीं लेके जा सकते। हम उनको फिजिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली, नॉट अबाउट द व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है? हम उनको फिजिकली जाके विश नहीं कर सकते। सो हम लोगों के लिए यही होता है कि हम लोग स्टेटस लगा देते हैं लाइक मी एंड समवन अदर्स, ठीक है, जिनके डैड नहीं, हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, या हम दुआ कर लेते हैं, ठीक है? तो जो लोग इस सेंस में स्टेटस लगा रहे हैं दैट दे आर मिसिंग देयर डैड्स, ठीक है, वो गुड है, ठीक है? इफ़ यू आर मिसिंग योर डैड्स, या इफ़ यू आर नॉट इन द कंट्री, यू आर बिसाइड द कंट्री समवेयर एल्स, समवेयर इन दिस बिजी वर्ल्ड, ठीक है? आप अगर फिजिकली, आपके पास आप नहीं विश कर सकते फिजिकली, तो आपका रीज़न बनता है स्टेटस लगाने का, आपका सब कुछ बनता है, कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? मगर अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, और फिर भी आप स्टेटस लगाने के अंदर मसरूफ़ हैं या दुनिया को दिखाने के लिए मसरूफ़ हैं, तो शेम ऑन यू गाइस, ठीक है? तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था कि दुनिया को दिखाना बंद करो, अपने आप को खुद फिजिकली विश करो, उनको जाके कुछ नहीं करो। आपने जो स्टेटस लगाया ना, कितने स्टेटस लगाने का गूगल से आपने कॉपी की होगी फादर्स डे की, डाउनलोड की होगी पिक्चर, उसके बाद स्टेटस पे गए, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट किया, वहाँ पे स्टेटस लिखा आपने पूरा, तो इस सारी जर्नी में आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा जो आपको टाइम लगा, वही थोड़ा सा टाइम अपने डैड के साथ आप बिठा बैठ जाएँ, थोड़ी बातें बातें करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि उनको पता चले कि नहीं यार, हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतनी महंगी महंगी एजुकेशन दे रहे हैं, स्कूल्स इतने महंगे, इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो हमें आउटपुट आ रहा है। सो जो मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा रॉन्ग सेंस में नहीं लेकर चले जाना। आउटपुट की मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आप वो पैसा, जो अपना टाइम लगा रहे हैं, जो उनका प्यार है, उसका उनको आउटपुट आ रहा है, और यू गाइज़ आर रिस्पेक्टिंग देम, ठीक है, और उसका आउटपुट है, एंड यू गाइज़ आर पेइंग बैक विद सम लिटिल लव, नॉट अबाउट द मनी। जो वो पैसा आप लोगों पर लगा रहे हैं, वो आप आने वाली पूरी ज़िंदगी में नहीं पे बैक कर सकते, ठीक है? मगर एटलीस्ट यू आर शोइंग सम लव टू देम, दैट यू गाइज आर लविंग देम, यू गाइज लव देम अलॉट, ठीक है? इन दी एंड बस मैं यही बोलूँगा कि डोंट शो ऑफ गाइस, ठीक है, पुटिंग अप सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस और इस तरह का, सोसाइटी को नहीं दिखाओ कि आप प्यार करते हो अपने बाप से, अपने बाप को दिखाओ, ये नीडेड। आप बोलते हैं नहीं भाई मेरे बाप को पता है प्यार करता, नहीं भाई उनको नहीं पता, आपको उनको बताना है कि यू लव देम, ठीक है? इन दी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, पीस आउट, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड इन दी एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।